नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 8 अक्टूबर। सबसे पहले वेबिनार अपडेट। कल शनिवार को 9 अक्टूबर को 2 बजे हम सीजनलिटी का एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में सीजनलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी डिमांड और सप्लाई हम देखते हैं टाइम टू टाइम ही वर्क करते हैं। तो इस सीजनलिटी में हम एनालाइज करेंगे कि कौन से ऐसी कमोडिटीज़ है जो सीजनलिटी के हिसाब से अगले महीने 2 महीने में मूव कर सकती है। इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल एमसीएस बुलडेक्स हमने फ्लैटी स्टोन के साथ मार्केट को बंद होते हुए देखा। हमने देखा नॉन फार्म पेरोल से डेटा से पहले मार्केट काफ़ी शांत और मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हमने देखा डॉलर 1 साल के हाई पे ऑलमोस्ट टिका हुआ है, बट 94.50 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये ब्रिज भी नहीं कर पा रहा है। तो आज का जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं एमसीएस बुलडेक्स के लेवल्स की अगर हम बात करें तो 13,840 का इमीडिएट एक बड़ा सपोर्ट है, वहीं 14,000 का एक रेजिस्टेंट है। जब तक प्राइजेस इस रेंज का नहीं ब्रिज करता है मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं हमने ग्लोबल डिमांड की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है और रिस्क ऑन फैक्टर अभी भी बना हुआ है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। कल हमने गोल्ड में फ्रेश सेलिंग जरूर देखी, बट जैसे हमने उम्मीद की थी कि 47,100 का लेवल ब्रिज नहीं करेगा, ना ही 46,700 का लेवल ब्रिज करेगा, तो मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। आज का नॉन फार्म पेरोल का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशन काफ़ी बड़ी बना रखी है, बट ध्यान रखना अगर 47,100 का लेवल तोड़ देता है तो हम 47,600 से पहले गोल्ड नहीं रुकेगा, अदरवाइज 46,500 से 47,100 के बीच में गोल्ड का रेंज रहेगा। वहीं चांदी की बात करें तो शाउन रिकवरी है, शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, नो डाउट कंसर्न थोड़ा सा बना हुआ है एवरग्रैंड चाइनीज प्रॉपर्टी का कंसर्न को लेकर, लेकिन बेस मेटल में कल जिस ढंग से तेजी आई है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। आज के लिए 60,500-60,600 के पुल बैक पे लेके चलिए, 61,400 का लेवल तोड़ने पे 62,000 का लेवल तोड़ देगा। वहीं क्रूड में कल बड़ी गिरावट के बाद हमने शानदार रिकवरी भी आते हुए देखी है, नो डाउट एज ऑफ नाउ डिमांड भी इंप्रूव हो रही है, लेकिन कंसर्न्स है इन्वेंट्री को लेकर भी, बट कल की जो गिरावट के बाद रिकवरी आई है वो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग बाइंग हैंड्स बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि आज का सेशन तेजी भरा रह सकता है, बट कॉशियस रहिए, 6,000 तक का लेवल दिखा दे। नेचुरल गैस में भी कल हमने काफ़ी बड़ी वॉलिटी आती हुई देखी, बट जिस ढंग से 405-6 से मार्केट घुमा है ये कहीं ना कहीं 435 से 440 तक का लेवल एक बार इंट्राडे में फिर से दिखा सकता है। बेस मेटल में जैसे हमने पहले भी कहा था कि मार्केट का ध्यान तेजी का ही है, बाय ऑन ड्रॉप रखिए, जिस ढंग से प्रोडक्शन कटलमेंट आने वाले दिनों में हो सकता है ये प्राइजेस को सपोर्ट करेगा, खास करके आप जिंक, निकल, एल्यूमिनियम ये 3 कमोडिटी पे ध्यान रखिए। निकल में हमने पहले भी कहा था कि 1400 का लेवल तोड़ने पे 1440 का पहला लेवल और 1440 के ऊपर निकलने पे हम 1500 तक का भी लेवल देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम पे और कॉपर पे ध्यान रखिए, इनमें भी एक अच्छी बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। एलएमई पे आज निकल 2.5% से ज़्यादा की तेजी है, एल्यूमिनियम लेड फ्लैटिश है, जबकि कॉपर जिंक पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। गोल्ड 1750 से 1770 के बीच में ही ट्रेड करेगा। चांदी 2240 का सपोर्ट है, 2235-40 के करीब लेके चलिए, 2270 का लेवल तोड़ने पे ही तेजी करेगा। क्रूड में हमने तेजी देखी है जो $84-85 तक का लेवल ब्रेंट दिखा सकता है। वहीं नेचुरल गैस के अंदर भी $6 का एक रेजिस्टेंट है, वहां तक मार्केट दिखा सकता है। डॉलर इंडेक्स में भी तेजी बनी हुई है जो 94.26 का लेवल दिखा रहा है। डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो आज यूके से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बट सबका ध्यान जो रहेगा यूएस से नॉन फार्म पेरोल का डेटा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा रहेगा, जिसमें काफ़ी बढ़ोतरी दिखा रहा है। अगर ऐसी बढ़ोतरी आ जाती है तो कहीं ना कहीं बुलियन पे एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, बट एक्सपेक्टेशन टू हाई, अगर एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड नहीं जाता है तो इसका विपरीत हम सोने चांदी में एक बड़ी तेजी देख पाएंगे। तो आज वॉलिटिलिटी काफ़ी रहनी है। अगर हम चार्ट के लिए देखें तो एमसीएक्स गोल्ड में ध्यान रखिए 47,100 के ऊपर निकलने पे 47,600 तक का टारगेट देख पाएंगे। क्रूड में 6,000 तक का एक पुलबैक दिखाई दे रहा है। निकल में आप ध्यान रखिए कि 1450 के ऊपर निकलने पे 1490 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। तो आज पूरे बेस मेटल के अंदर कॉपर जिंक निकल लेड सभी में लेके चलिए, बेस मेटल में तेजी रहेगी। सोने में एक ब्रेकआउट आएगा 47,100 के ऊपर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।